व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई अभी हम राइट नाउ हम खड़े हैं सेंट्रल तिरकोस मार्केट के सामने। तो अगर मेरे पीछे देखोगे आप तो पीछे की तरफ ये है बस स्टॉप, यहाँ का बस अड्डा जहाँ से आपको बस मिल जाएगी लिथुएनिया के लिए, पोलैंड के लिए, एस्टोनिया के लिए और रशिया के लिए भी राइट। और राइट हैंड साइड पे मतलब मेरे सब सामने जस्ट सामने जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके जस्ट अपोजिट है सेंट्रल तुर्कोस मार्केट। सेंट्रल तुर्कोस मार्केट इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये कहते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा मार्केट है, फूड मार्केट। और इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पेशली मीट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, मतलब हर चीज़ हर तरह का फूड मिल जाएगा पर आपको मीट बहुत मिलेगा। और हमारे साथ है हमारा कैमरा क्रू में क्रू मेंबर के नाम पे हमारे पास एक ही आदमी है बस। चलिए आपको लेके चलेंगे हम अंदर और दिखाएंगे यहाँ के नज़ारे थोड़े बहुत। यहाँ इस सेंट्रल तुर्कोस मार्केट के ऑपोजिट लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत बड़ा फ्रूट मार्केट भी है, तो कोशिश करेंगे थोड़ी सी ग्लिम्स उसकी भी ले लें। सब एक ही मार्केट का हिस्सा, मतलब टोटल पूरा फूड मार्केट है। यहाँ पे दारू पीने वाले बहुत धीरे धीरे यहाँ आपको दारू पीने वाले बहुत मिलेंगे। हर जगह लोग शराबी जिनको हम जंकी कहते हैं, जिप्सी और जंकी। चलो यार, तो प्रॉपर माहौल बना दिया है ना। ऐसे टैली में था, टैली तो ऐसे ही था, बस थोड़ा पुराना बाल्टिक तुर था, बाल्टिक तुर वो वहाँ की मार्केट थी ना, ऐसी ही थी कुछ है कि नहीं। मोमोज की दुकान आ गई इधर का मोमो है, यहाँ पे मोमो को डम्पलिंग कहते हैं ये और क्या करते हैं तो? और आज हमने कौन सी न्यूज सुनी थी कि दिल्ली में लोग हर एक फैमिली दिल्ली में ऑन एवरेज एक साल में 25,000 करोड़ नहीं ऐसे एक फैमिली एक महीने में एक दिन में 100 मोमोज खा जाती है। हाँ, और उसने सालाना डेटा बनाया था 25,000 करोड़ था रुपए में। हाँ। तो इतना मोमो दिल्ली में लोग खा रहे हैं, बताओ क्यों? ये इसलिए डेटा क्यों कैलकुलेट करा था नहीं पता पर ये करता है, ये बड़ी खतरनाक बात है पर डेटा है आप इसको भी रखें दिमाग में। तो ये कैफे का एरिया है, मस्त है ये, अच्छा ये कैफे बढ़िया है और मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, ये ठीक ठाक नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। देखो 1 यूरो समझ, देखो 5 यूरो का एक बढ़िया सा पैनकेक आ गया। पैनकेक नहीं है वो है, क्या कहते हैं इसके अंदर ही है और इस पर फ्रूट से बना हुआ है पूरा ये कस्टर्ड टाइप का होगा फ्रूट का। कॉस्टली देन मैक्सिमा, मैक्सिमा से महंगा है भाई, हो सकता है उनके घर के अंडे हो। हाँ वो भी है, उनके खुद के फार्म के होंगे ना, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट वगैरह है। अरे यहाँ पनीर मिल जाएगा ना? हाँ मुझे नहीं लगता, अगर वो कॉटेज चीज जैसा कुछ होगा तो जरूर मिल जाएगा। ये कॉटेज चीज उसको कहते हैं वैसे बेसिकली, वो जो आंटी ने निकाला है भुर्जी बना दी भुर्जी, पर हमें चाहिए उसके फॉर्म में कि हम लम्स के फॉर्म में काट लें भाई। फेमस लिथुएनिया वाला बिस्किट है ये, लिथुएनिया की गजक है जिसको हम कहते हैं सकोतिस। सकोतिस और ये बिस्किट जैसा लगता है। मैं लेके आया था ना लिथुएनिया से, मस्त है। तू भी लेके आया था उसके बाद? अरे हाँ मुझे तो भूल ही गया, ये वाला सेक्शन मिठाइयां है सारी, ये अंजीर है, अंजीर को वो ऊपर अंजीर के ऊपर वो लगाया हुआ है, नहीं ये वॉलनट है, वॉलनट है, हाँ वॉलनट है, अखरोट के ऊपर लेयर लगाई हुई है, बड़ा सही सही बना, पूरा मिठाइयां है इसके अंदर। ये है अलग तरह के अचार, ऑलिव्स, ऑलिव्स का ट्रीटमेंट देख रहे हो, जैतून भाई, ऑलिव्स को जैतून बोलते हैं हिंदी में, मुझे अब पता चला है। चलो अब जैसे बच्चे ट्रेन में से कूद जाते हैं भाई, बच्चों की बच्चों, तो भाई अब हम आ गए हैं मीट मार्केट में।
और ये बहुत ग्रैंड है। पंखा देख रहे हो, पंखा वाला बड़ा वाला पंखा। हाँ अबे जो नई जनरेशन उनको शर्म भी तो आती है मीट के काम में, देखना तुम। लिए लोकू गाला मतलब होता है बीफ या बीफ राइट या वो शीप लिटिल बीफ ओके छोटा जानवर ये शीप है। तो तेला काला मतलब हो गया मेरे भाई शीप। अभी ये ना मार्केट बंद हो रही है ऑलमोस्ट, क्योंकि 3-4 बजे मार्केट बंद हो। यहाँ पे मार्केट दिन में खुलती है, ये नहीं कि शाम में नहीं खुलेगी। हाँ। ये नहीं कि आप शाम को 6 बजे आए और हो गया। बड़ी मार्केट बंद हो गया, मुश्किल होता है शाम को मिलना, दो पूरा बंद कर दिया। भाई इन्हीं इन्हीं दुकानों के बीच में आपको एक रशियन दुकान है जहाँ आपको हलाल मीट भी मिल जाता है। हाँ उज़्बेकी है शायद, हाँ उज़्बेकिस्तान का है शायद बंदा, पर यहाँ ये आपको हलाल मीट मिल जाता है। तो ये आप देख लो, इसमें लिखा हुआ है हलाल लाख, और इसके यहाँ आपको हलाल मीट मिल जाएगा। तो आप गौर से इस दुकान को देख लीजिए। यहाँ आपको मटन बीफ और चिकन तीनों मिल जाएगा। भाई ये है फोटो, पुरानी फोटो, पुरानी फोटो, हाउ सेंट्रल तुर्गुत यूज़ टू बी। देखो लोग घोड़ा गाड़ी लेके आए। हाँ ये तो फ्रोजन है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ये तो फ्रोजन है? नहीं फ्रोजन है, मुझे तो लग रहा है फ्रोजन, सॉसेज बना दिए। फ्रिज के अंदर तो है पर फ्रोजन है, फ्रेश नहीं है। इंडिया में वो ऐसे बेचते हैं कि आज काटेंगे आज के आज उनका बिक जाएगा, है कि नहीं? है इधर रॉ मीट सॉसेज, रॉ सॉसेज। हाँ तो यहाँ ये तैयार, तो आप यहाँ आके खाना भी खा सकते हो। ये रेडी टू ईट है ये, हाँ दिस इज रेडी टू ईट। तभी तो ये महंगा है, मेरे को रेडी टू ईट है। ये वाली टोपियाँ बड़ी सस्ती लगती हैं। ये होगी एक दिन प्रीवियत चैन खोल के अपना हाथ अंदर डाल लो, अच्छा ऐसे हाथ ठंडे गर्म रहेंगे। गर्म रहेंगे और ये सिल्वर फॉक्स से बना हुआ है। सिल्वर फॉक्स, वाह भाई सिल्वर फॉक्स। अच्छा ये सारा सिल्वर है, ये मिंक का है। मिंक कोई जानवर क्या बता, सारे एनिमल के एक्चुअल एनिमल के स्किन के जो वीगन लोग हैं इधर देखो, तो ये इंग्लिश में मिंक कहते हैं। अच्छा मिंक का कोई ज्यादा सर्च करा, और अगर जो वीगन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको ऑफेंड हो सकते हैं, निकल जाएगा।
कमेंट भी मत ना करें। और इसका प्राइस है 69। ओके नहीं वो कुछ और प्राइस देंगे अपन को, मतलब ये इस पर 69 लिखा हुआ है, ये हो सकता है कुछ ऊपर नीचे का प्राइस करेंगे। हाँ तो अगर आप घर वालों के लिए गिफ्ट ओके माइनस 10 तो 59 में मिल जाएगा। आज सब रात जो पहाड़ों में रहते हैं इंडिया के अंदर, लद्दाख वाले, लद्दाख वाले लोग लाइक कर दो। अच्छा ये गले में ऐसे डालो, ऐसे उसमें होती है गले में डाल के, पर उसमें हाथ डालो अपने ऐसे गले में टांगने के लिए। जिप है अंदर हाथ डाल के जिप भी बंद कर सकते हो, या फिर जिप जल के और खुल जाता हो तो होगा इसका फंक्शन। अरे ये ऐसे कीचेन वीचेन फोर व्हीलर के लिए ले सकते हो, ये छोटा सा ले लो, ये छोटे छोटे ने प्रोडक्ट बना दिया कि भाई कोई बंदा सिर्फ याददाश्त के लिए ले जाए तो ये ले जा सकता है। अच्छा देखो ये ज़्यादा बेटर है, तीन यूरो दो यूरो आ रहे हैं ना। अरे देखो बाल सिर्फ ये है और अंदर वही नॉर्मल रुई जाता है, तो बाल सिर्फ इतने ही यूज़ किए गए हैं बड़े बड़े है ना। मुझे ऐसा है नहीं, इसमें तो नहीं है, देखो ये तो पूरी स्किन है, ये पूरी स्किन है। सिल्वर फॉक्स, ये जो सिल्वर कलर से चमकते हैं भाई, पोलर फॉक्स, ये पोलर फॉक्स अलग अलग चीज़ें हैं। Where is the railway station inside? You mean the train station? Yeah, yeah. The train station, you can go inside, buy the tickets, but it's also, you need to go around on the left side. I already have the ticket, I can go from you go on the left side. But where is the toilet? I also want to go to the toilet. The toilet is inside. Inside, okay. On the right side. Okay, thank you. Have a great day. See you.